Hi guys, my name is Uma Sarra. Welcome back to my channel. Have you ever faced a situation where you said something to someone and someone got offended and denied your request? So there might be some reasons, and the main reason is probably you might be rude with him. So here are some sentences or some phrases that we can use instead of rude to be so polite. So, जब हम इन expressions को use करेंगे, I will explain the rude sentences because you know there is a situation कि हमें समझ नहीं आती कि which sentence or which phrase might be rude or how to be polite. So, here are these sentences, these expressions. On this side, I will mention the rude way to say something, and on the right side, I will mention the polite way to request or to say something, because you know that if you are requesting someone, so you should be polite, you should be in a polite way. कि आपने polite way में उसे कोई request करना है. If you say something in a very commanding or dictating way, then the other person will not listen to you. He will mind it. Obviously, he will get offended. Or you know that काफी दफा offend हो जाता है अगला बंदा और वो he or she will be ready to fight with you because nobody likes you or nobody like command. So our first expression is word. For example, if you are in a classroom and your teacher, she is teaching something or she is teaching a very difficult topic, it's a very difficult topic for you, and आपको उस टॉपिक की समझ नहीं आती है और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉइंट्स, तो आप अपनी टीचर को क्या कहते हैं? आप अपनी टीचर को कहेंगे कि इसे दोबारा बता दें आपको. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट, काफी दफा हम लोग व्हाट का वर्ड यूज कर लेते हैं, व्हाट. सो दिस वर्ड इज वेरी रूड टू से समवन. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट, यू कैन यूज कुड यू प्लीज रिपीट इट और कुड यू रिपीट इट प्लीज. सो दिस इज अ पोलाइट वे टू से समथिंग कि आप इस चीज को दोबारा रिपीट कर दें. So that I can understand it. At this time, I couldn't get your point. But if you repeat it, please, then I can easily understand it. Our next phrase is give me something. अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि give me something, so it's not a request. It's like a very commanding way. कि अगर आप किसी को command कर रहे हो, give me is like कि अगर आप किसी को command कर रहे हो या dictate कर रहे हो. Just like if you went to the library and you need a book, but आप ये देखते हैं कि वहाँ पे already एक student he is using that book और he is studying from that book, तो और उसके पास वो कोई और book पढ़ रहा है लेकिन उसके पास table पे वो book रखी हुई है. So instead of saying give me this book or you went to hop up to him or grab this book, so आप क्या करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, आप उसे बोलेंगे could you please pass it to me. तो अगले इंसान को भी थोड़ा सही होगा कि यार ही इज रिक्वेस्टिंग मी टू पास दिस बुक टू हिम, गिविंग हिम बुक. सो वो क्या करेगा, वो बड़े आराम से वो बुक उठाएगा और वो आपको दे देगा. लेकिन अगर आप उसको कमेंड वे में बोलेंगे कि गिव मी दिस बुक, सो ही विल गेट ऑफेंड. ऑब्वियसली ही विल गेट ऑफेंड एंड यू से ओ व्हाई, हु द हेल आर यू, आई एम नॉट गिविंग यू दिस बुक, आई एम यूजिंग दिस बुक, आई नीड इट. तो वो जब आप उसको ये बोलेंगे कुड यू प्लीज पास इट टू मी, तो वो क्या करेगा, वो समझेगा कि ठीक है आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फौरन आपको बुक उठा के दे देगा. सो यूज दिस फ्रेज इंस्टेड ऑफ गिव मी. अनदर इज नो. ओके, नो, हम लोग काफी दफा ऐसा होता है कि किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोल देते हैं. सो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी रूड वे टू से समवन नो. सो आप उसको क्या कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई कैन. सपोज इफ यू आर इन अ क्लास रूम और इफ यू आर इन अ ऑफिस और आपका को वर्कर आपके पास आता है और वो कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी काफी रीजंस हो सकती हैं कि अगर आपने भी उस प्रोजेक्ट को नहीं देखा और आपको भी उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहने के बजाय आप उसको क्या कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई कांट टेल यू एनीथिंग, आई कांट टेल यू एनीथिंग और आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई डिडंट रीड दिस प्रोजेक्ट टिल नाउ. तो आप उसको इस तरीके से नो भी कह सकते हैं.
नेक्स्ट वन इज गो अवे, यहां से चले जाओ. सेम उसी तरीके से कि इफ यू आर इन अ क्लासरूम और योर फ्रेंड केम टू यू एंड से ओके आई हैव दिस असाइनमेंट एंड आई हैव टू सबमिट इट टुमारो, तो एंड इफ यू आर बिजी, यू आर वेरी बिजी, यू हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यू आर ऑलरेडी ओवरलोडेड, तो आप फ्रेंड जब आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि कैन यू प्लीज tell me something about this assignment or can you please help me, so instead of saying go away ke abhi tum yahan se chale jao, theek hai, aap use kya kahenge, can you please give me 5 minutes or 10 minutes or half an hour ke utne time tak main apna kaam complete kar lu and after completing my assignment or my homework then I will come to you or I will tell you everything about this assignment. So obviously he is your friend or he is your class fellow, she is your class fellow. You cannot be so rude to him or her. तो आप उसको बड़े polite way में ये बात करेंगे तो he would be happy. Okay, he is also overloaded and he is also swamped. So at this time I should give him or her some time to complete his assignment. So after completing his assignment he will definitely help me. So जब आप उसको ये बोलेंगे कि go away, तो ही विल बी सो शॉर्ट कि आपने उसे ऐसे क्यों बोला है कि वी आर फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्ट हिज हेल्प, तो ये मेरे साथ जो है वो इतने रूड तरीके से क्यों बात कर रहा है. सो बट कैन यू यूज या कुड यू प्लीज गिव मी 5 मिनट और कैन यू प्लीज गिव मी 5 मिनट. अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने कैन का वर्ड यूज किया, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड ऑफ कुड बिकॉज कुड जो है इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा पोलाइट वे में आ जाता है. कैन भी ठीक है लेकिन यू कैन ऑल्सो यूज could you please give me 5 minutes or 30 minutes. Next one is move. You are going to the office, you are getting late and you have a very important meeting in the office or aap raaste se jaate hain aur wahan pe bahut zyada log hote hain, the road is overcrowded with the people aur aapne road pe se guzar ke jana hai, logon mein se guzar ke jana hai, तो आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे मूव मूव मूव. नो नो, आप ऐसे उन्हें नहीं बोलेंगे, आप उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज कि आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम द ऑफिस, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड आई हैव टू प्रेजेंट सम प्रेजेंटेशन इन माई कॉलेज और यूनिवर्सिटी. सो आप उसे जो दूसरे लोग हैं उन्हें कहने के बजाय कि मूव मूव, आप उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज. नेक्स्ट वन इज यू आर रॉन्ग. आप ऑफिस में हैं और you have done some assignment for your manager और आपके manager जब वो read करते हैं और then he realize, your manager realize कि there are some mistakes in this assignment or in this project. तो काफ़ी दफ़ा जो हमारे managers हैं वो गुस्सीले भी होते हैं, काफ़ी गुस्सा कर जाते हैं, तो वो straight forward कह देते हैं you are wrong, okay. और अगर आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर जो हैं, आप उन्हें कोई क्वेश्चन, टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप उन्हें आंसर बताते हैं, तो टीचर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं यू आर रॉन्ग. तो इट्स अ वेरी रूड वे, यू कैन नॉट आस्क दिस थिंग टू एनी अदर पर्सन, आइदर दैट इज योर स्टूडेंट और योर को वर्कर और योर एम्प्लॉय. यू शुड नॉट यूज दिस फ्रेज टू योर को वर्कर्स, टू योर एम्प्लॉयज, टू एनी अदर पर्सन, टू योर स्टूडेंट, क्योंकि उससे क्या है, उससे उसका मोरल थोड़ा सा डाउन चला जाता है क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की हुई होती है ऑन दैट प्रोजेक्ट और ऑन दैट असाइनमेंट. और अगर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि यू आर रॉन्ग, तो उसका मोरल डाउन चला जाएगा. तो आप उसे क्या बोलेंगे, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन हियर. आप उसको पॉइंट बताएंगे कि ये वहां पे ये पॉइंट है, उस पॉइंट को हाईलाइट जब आप करेंगे तो आप उसको बोलेंगे कि यू माइट बी मिस्टेकन. जब आप उसको इतने पोलाइट वे से कहेंगे तो उसका मोरल डाउन नहीं जाएगा, ही विल बी सो हैप्पी टू इम्प्रूव दैट असाइनमेंट और टू इम्प्रूव दैट प्रोजेक्ट. अगर नेक्स्ट वन इज योर वर्क इज नॉट गुड. सेम वही एग्जाम्पल कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं और कोई असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और जब वो आप कंप्लीट कर लेते हैं और आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं, आप अपने मैनेजर को जाके दिखाते हैं कि देखें मैंने ये प्रोजेक्ट किया है या मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, मैंने ये प्रेजेंटेशन बना ली है, और ऑब्वियसली यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट प्रोजेक्ट और ऑन दैट असाइनमेंट, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट असाइनमेंट व्हेन यू टेक इट टू योर मैनेजर और टू योर ऑफिसर्स, जब वो उसको देखते हैं और वो आराम से आपको कह देते हैं योर वर्क इज नॉट गुड, तो आप खुद सोचें कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी कि अगर मैं जाती हूँ, मैंने दिन रात मेहनत की है
और मैंने बहुत हार्ड वर्क के बाद एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट माय प्रोफेसर और माय बॉस ही और शी विल से ओके योर वर्क इज नॉट गुड. तो मैं आई विल गेट मैड एंड आई विल गेट क्रेजी के यार मैंने इतना टाइम लगाया है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क और टाइम ऑन दिस और स्पेशली माई एनर्जी. आई हैव इन्वेस्ट माई टाइम एनर्जी मनी एवरीथिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और ऑन दिस असाइनमेंट एंड आफ्टर डूइंग दिस मेरे प्रोफेसर को या मेरे बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे साफ कह दिया योर वर्क इज नॉट गुड. तो उससे भी मेरा मोरल नीचे जाएगा, उससे मेरा दिल टूटेगा और उससे ये होगा कि यार मैंने काम नहीं करना इसके ऊपर ना. सो आप इसके बजाय क्या पोलाइट वे में यूज कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट. ठीक है, बजाय इसके कि आपको ये कहा जाए या आप किसी को ये कह दें कि योर वर्क इज नॉट गुड, तो आप क्या कह सकते हैं उसे कि टू बी ऑनेस्ट इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट, कि इसे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. आफ्टर सम इम्प्रूवमेंट योर वर्क विल बी फाइन. सो लेट्स मूव टू द अदर एक्सप्रेशन. अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज आई वॉन्ट समथिंग. आई गिव यू द एग्जाम्पल कि इफ यू आर एट होम और इफ यू आर इन द ऑफिस, द सेम एग्जाम्पल इफ यू आर इन द ऑफिस और आप कोई काम कर रहे हैं, या अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे, देर आर ऑल्सो सम ऑफिस बॉयज हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू वाटर एंड गिव यू टी एवरी डे. तो अगर आपको प्यास लग रही है और इफ यू वॉन्ट अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी, तो आप उसके पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी या आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. तो आपको देखें कि इट सीम्स वेरी रूड, इट्स लाइक एन ऑर्डर, यू आर गिविंग ऑर्डर टू योर ऑफिस बॉय और टू समवन एल्स. सपोज अनदर एग्जाम्पल, इफ यू आर एट होम एंड यू आर फीलिंग थर्स्टी और आप अपनी वाइफ को कहते हैं कि आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, शी इज ऑलरेडी बिजी एंड शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क. ऑल्दो उसने अपना घर का सारा काम किया है, बट she has to take care of her home, she has to take care of her kids, she has to clean the whole home, so she must be tired. Or agar nahi bhi tired hogi, so you cannot order your wife or you cannot order the other person that I want this. Instead of saying I want this, you can use this phrase I would like to have a glass of water, I would like to have a cup of tea. Just like if you are in an office or aap apne office boy ko kehte hain ki I want a glass of water or I want a cup of coffee, so instead of saying that I want a glass of water, so aap kya keh sakte hain, I would like to have a glass of water or I would like to have a cup of coffee. To aap khud dekhe ki it shows some respect कि आप जो दूसरा इंसान है उसे कोई रिस्पेक्ट दे रहे हैं और बड़े पोलाइट वे में उसे बात कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली जब आप किसी से पोलाइट वे में बात करेंगे, ही वुड बी वेरी हैप्पी टूवर्ड्स यू कि चलो आप उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं. नेक्स्ट वन इज स्टॉप इट. आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते स्टॉप इट. अपने यानी कि बहुत क्लोज जो आपके होते हैं, जस्ट लाइक इफ यू आर एट होम यू हैव किड्स एंड दे आर मेसिंग अराउंड, आप उनको आराम से कह सकते हैं स्टॉप इट. ठीक है, आप उन्हें कह सकते हैं बिकॉज यू आर बींग स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ यू आर मदर और फादर यू कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट इसकी एक अदर एग्जाम्पल ये है कि इफ यू गो टू द मूवी थिएटर और यू आर वेरी इन्वॉल्व इन द मूवी और यू आर वेरी इन टू द मूवी और समवन आपके साथ अगर कोई भी बैठा होता है इज मोबाइल रैंग, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ओ मैं मूवी में इतना ज़्यादा बिजी हूँ और इतना अच्छा सीन जा रहा है, सब कुछ है, मूवी इतनी अच्छी है और उसका मोबाइल चल यानी कि उसका मोबाइल बजने लग गया है, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे स्टॉप इट, नो आप उसको क्या बोलेंगे, वुड यू माइंड स्विच ऑफ योर फोन, कि आप प्लीज अपना फोन बंद कर सकते हैं. तो ये थोड़ा पोलाइट वे में, बल्कि थोड़ा क्या काफी ज्यादा पोलाइट वे में आ जाएगा किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए. अवर लास्ट वन इज वेट. आपके पास आपका फ्रेंड आता है, ठीक है, आपके पास जब वो आता है वो आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी असाइनमेंट में हेल्प कर दो, या आपके पास कोई फोन कॉल आती है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पास किसी की फोन कॉल आती है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टॉक टू दिस गर्ल, आई वॉन्ट टॉक टू योर बॉस, तो आप उसे ऐसे नहीं बोलेंगे वेट. तो ये बड़ा रूड वे में हो जाएगा कि आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दें वेट, नहीं आप उसको क्या बोल सकते हैं, कुड यू होल्ड प्लीज, कि जब आप उसको इतने पोलाइट वे में बात करेंगे कुड यू होल्ड प्लीज, जो अदर पर्सन है ही विल आल्सो रियलाइज ओके यू आर अ पोलाइट पर्सन एंड यू आर रिक्वेस्टिंग हिम
टू बी होल्ड, टू बी ऑन होल्ड, तो वो बहुत बहुत अच्छा फील होगा. मीन्स ही विल नॉट गेट ऑफेंड, ही विल नॉट गेट एंग्री ऑन यू कि यार ये किस टाइप का बंदा है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने मुझे वेट बोल दिया. नहीं, आप क्या यूज करेंगे, कुड यू होल्ड प्लीज. सो इन दिस लेसन आई होप वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ फ्रेजेस rude versus polite way. So if you will keep all these polite ways to say, all these expressions, the polite expression in your mind, I guarantee you the other person, your friend, your co-workers, your managers, your employees, they cannot get offended on you, they cannot get angry on you. So I hope you would like your lesson and expand your vocabulary from all these expressions. If you like this lesson, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.